वृश्चिक राशि वालों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर से प्रे करते हैं कि आप और आपके पूरे परिवार हमेशा खुशहाल रहे। वृश्चिक राशि वालों, आने वाले अगले 24 घंटे में आपके माथे पर चंदन तिलक लगेगा। जी हाँ, वृश्चिक राशि वालों, हम आप सभी को बता दें कि इतनी बड़ी कामयाबी आपके हाथ लगने वाली है जो कि वृश्चिक राशि वालों आप कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जी हाँ, वृश्चिक राशि वालों, हम आप सभी को बता दें, अब आप सीना 56 इंच चौड़ा करके गली मोहल्ले में घूमोगे। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे में इतनी बड़ी कामयाबी मिलने वाली है जिससे दोस्तों आप लोग सब कोई आपका तारीफ करेंगे। जी हाँ वृश्चिक राशि वालों, एक प्रकार से यूं कहें तो सफलता अब आपके बहुत करीब आ चुके हैं, क्योंकि दोस्तों पिछला किया गया मेहनत, पिछला किया गया प्रयास अब आपके रंग लाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपकी कुंडली में कुछ ऐसे शुभ संयोग इस प्रकार से निर्माण हुआ है जो कि दोस्तों सफलता सीधे सीधे आपकी कदम चूमेगी। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, राशिफल को निकालते समय ग्रह नक्षत्र के साथ साथ पंचांग की गणना का विश्लेषण किया जाता है। इसमें हम आपको बताएंगे नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत व दिन भर में होने वाली सभी छोटी बड़ी घटनाओं की विस्तृत जानकारी। साथ ही दोस्तों ग्रह नक्षत्र के चाल के आधार पर आपको यह भी बताएंगे कि आज के दिन आपके सितारे आपके अनुकूल है या नहीं, आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है या फिर किस तरह के परिणाम आज आपको प्राप्त हो सकती हैं। इन सभी जानकारियां विस्तार से वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं और सभी अवसरों को आप अच्छे से समझ करके इनका लाभ उठाइएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अपने इन हाथों से जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करने से पहले एक अनमोल विचार, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, हार कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, बस आप अपना कोशिश जारी रखिएगा। आइए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं आज का राशिफल। दोस्तों, आपको समय फिलहाल रेंगता हुआ महसूस हो रहा है, लेकिन धीरज बनाए रखें और अपनी उत्सुकता भी बनाए रखें। हालांकि आपको अपने किसी वादे या निजी संबंध की खातिर कुछ समय के लिए अपने लक्ष्यों को एक तरफ रखना पड़ सकता है। अपने साथी के साथ वादों विवादों और गलतफहमियों से बचने का प्रयास करें, यही आपके लिए उत्तम रहेगा। अधिक परेशान ना हो, थोड़ा सा योजना बनाकर चलेंगे तो आसानी से आप दोनों एजेंडा पूरे कर पाएंगे। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों प्यार आपके मन और तन पर हावी है। असल में प्यार हर जगह है, सिर्फ आपको अपनी स्थिति के प्रति सचेत रहना होगा। कदम संभाल संभाल कर रखें और अपने मित्रों के सलाह लेने से अभी आप बिल्कुल नहीं हिचकें। अगर कोई समस्या है तो उनका समाधान ही है, बस आपको थोड़ा सा राय लेना होगा, एक दूसरे के साथ सलाह मशवरा करना होगा, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको बहुत सारे विकल्प नजर आएंगे पर जल्दबाजी में निर्णय लेने से अभी आपको बचना होगा। आपका शांत स्वभाव सबकी ओर आकर्षित करता है और आपके चरित्र पर हल्की जो है पहेली सबको अपनी ओर आकर्षित करती है, बस ऐसे ही रहें। आपको एक दिन सफलता इतनी बड़ी मिलेगी जो कि दोस्तों आप कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। नए और अलग अलग कार्य करने के अवसर आज आपके रास्ते में आएंगे, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आज नए ग्राहक और जो है विभिन्न परियोजनाएं आपके पास आ सकती है और कुछ में तो इतनी संभावनाएं होगी कि वो आप जो है सपनों या महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी बन सकती है। इस असर का फायदा उठाने के लिए आपको आज अतिरिक्त मेहनत करनी होगी और इसके करते हुए आपको जो है काफ़ी आनंद भी महसूस होगा और काफ़ी मज़ा भी आएगा।
देखिए दोस्तों, मेहनत परिश्रम एक ऐसा चीज है, इनके द्वारा बड़ी बड़ी सफलता भी आप जो है प्राप्त कर सकती हैं। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगी, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगी, देखिए दोस्तों, आपको अपना अधूरा काम समय पर पूरा करने के बहुत से मौके मिलेंगे, बहुत से अवसर मिलेंगे। आपकी दूसरी परेशानियां भी तुरंत दूर हो जाएंगी और उनके बारे में चिंता आपको अधिक नहीं करने की आवश्यकता रहेगी। आज अधिक से अधिक काम करने की आप कोशिश करें, क्योंकि आपको आज सब कामों में सफलता मिलेगी और आप अपने किसी करीबी से सलाह भी ले सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होगा। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपको अपने पार्टनर के धीरज की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। वो आपकी कई बातों को लंबे समय से सहन करती आ रही हैं और आपको खुश करने की कोशिश पर भी वे ठंडे मिजाज के बावजूद आपसे अच्छा व्यवहार करती आ रही हैं। अगर आपको एक बार कोई बात बुरा लग भी गया तो आप उन्हें माफ़ कर दें। वो खुद भी अपनी गलतियों से शर्मिंदा है और वो कभी दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। एक मौका सबको दें, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए दोस्तों, भगवान भी कहते हैं कि आप सोने से पहले सबको माफ़ कर दें, उठने से पहले हम आपको माफ़ कर देंगे। इसलिए दोस्तों, सबसे बड़ी सजा है माफ़ करना। अगर आप किसी को एक बार माफ़ कर देते हैं तो आपसे बड़ा इंसान और कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आज एक छोटा है लेकिन बेहद आकर्षक असर आपके लिए जो है खुलने की संभावना निर्माण हो रही है। अचल संपत्ति के कारोबार में निवेश आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। अगर आप देखिए निवेश करना चाहते हैं, लॉटरी सट्टे में धन का जो है निवेश करना चाहती हैं, तो आप दिल खोलकर निवेश कर सकती हैं। हालांकि अगर आप समय पर निर्माण कार्यवाही करते हैं तभी आपको लाभ मिलेगा। अगर आप समय बर्बाद करेंगे तो अवसर आपके हाथ से निकल जाएंगे। संपत्ति से संबंधित ऋण भी आज आपकी मंजूर होने की संभावनाएं बन रही है। अगर आप कहीं ऋण वगैरह के लिए फॉर्म वगैरह के कहीं अप्लाई करके रखे थे तो वहां से भी आपको शुभ समाचार मिल सकता है, तो दिन बहुत अच्छा है। इसके उपरांत आज आप अपने ही भीतर शक्ति का नया जो है अद्वितीय स्रोत ढूंढ लेंगे और आपको यह अनुभव होने लगेगा कि आप अपने जीवन में जिन समस्याओं से जूझ रहे थे उनसे निपटने के लिए आपको किसी भी बाह्य मदद की जरूरत नहीं है। आसानी से अब खुद ही सब करते हुए जाएंगे और इस बात का आपको आज एहसास भी हो जाएगा, अनुभव ही हो जाएगा। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके कैरियर बिजनेस के लिए जो समय होंगे, आज आपको नई नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है जो कि आपके कार्यक्षेत्र में कुछ अलग होगा। आपको दोनों क्षेत्रों को आपस में लेना होगा और आप सही करियर का निर्णय ले सकेंगे। हालांकि ये आपके लिए काफ़ी शुद्ध प्रतीत रहेगा, लेकिन पूर्ण तरह से आप कार्यक्षेत्र में न बदलें। आप अपने परिवार या अपनी संगति का भी मत ले सकते हैं कौन सा कार्यक्षेत्र आपके लिए उपयुक्त रहेगा। दोस्तों, जानकारियां अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा।